मध्य प्रदेश में तो चुनाव से पहले ही खेला हो गया है दोस्तों। पीएम नरेंद्र मोदी के जिस जादू यानी मैजिक का हवाला भारतीय जनता पार्टी अक्सर देती आई है, अक्सर कहती आई है कि हर राज्य में पीएम नरेंद्र मोदी जी का मैजिक आखिरी समय में खेल पलट देता है, कर्नाटक में उस मैजिक की हवा निकली थी दोस्तों, ये याद होगा आपको। अब ऐसा लग रहा है कि मध्य प्रदेश में भी यही हाल होने वाला है। मध्य प्रदेश में इस साल के आखिर में चुनाव होने हैं और उससे पहले रुझान आने शुरू हो गए हैं, नतीजे आने शुरू हो गए हैं। एक ऐसा ही रुझान, ऐसा ही सर्वे बाहर आया है जिस सर्वे के मुताबिक MP यानी मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की छुट्टी होती हुई दिखाई दे रही है, सरकार की विदाई होती हुई दिख रही है और कांग्रेस का स्वागत करने के लिए जनता तैयार नजर आ रही है दोस्तों। सर्वे में क्या है बताएंगे आपको। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दो बोल न्यूज। लोक पोल जो तमाम चुनाव कवर करती है और लोगों के दिलो दिमाग में किस पार्टी को लेकर चुनाव के वक्त में क्या चल रहा है, लोग किसको वोट देना चाहते हैं, लोग किसको चुनना चाहते हैं, ये लोक पोल का काम है कि सर्वे के जरिए इसका पता लगाया जाए। इसी लोक पोल ने मध्य प्रदेश को लेकर चुनावी सर्वे करवाया है दोस्तों, जिसमें कांग्रेस BJP को पछाड़ती हुई नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनाती हुई दिख रही है और इसमें क्या कहा गया आपको बता देते हैं। ये सर्वे करने में तकरीबन 1 महीने का वक्त लगा है, इसीलिए इसे मेगा ग्राउंड सर्वे बताया जा रहा है। इस सर्वे की अगर बात करेंगे तो हर विधानसभा सीट यानी हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से लगभग 750 यानी 750 लोगों की राय ली गई है। कुल 1,72,500 लोगों से उनकी राय मांगी गई है कि वो किसको देखना चाहते हैं, किसको चुनना चाहते हैं। इस सर्वे के नतीजे के मुताबिक कांग्रेस को 130 से 135 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों। वहीं दूसरी तरफ BJP की अगर आप बात करेंगे तो BJP को उससे कम यानी 90 से 95 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। BSP को 1 से 2 सीटें और बाकियों को 0 से 5 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। तो क्या ये मानना सही होगा कि BJP मध्य प्रदेश से जाने वाली है, मध्य प्रदेश से BJP की रुखसती होने वाली है, क्या ये कहना गलत होगा दोस्तों? हालांकि इसका जवाब असल नतीजों में भी जल्द ही मिल जाएगा क्योंकि चुनाव होने में ज़्यादा समय बाकी रह नहीं गया है। अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए दोस्तों तो MP में कांग्रेस ज़बरदस्त तरीके से चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है इस वक्त, ज़बरदस्त तरीके से। आपको ये बात पता होगी कि पहले कांग्रेस ही थी सरकार में मध्य प्रदेश में। प्रियंका गांधी के एक पोस्टर को लेकर भी बवाल मचा, जिस पोस्टर पर लिखा था कि वीरांगना झांसी की रानी लड़ी थी गोरों से, प्रियंका लड़ेंगी चोरों से। प्रियंका गांधी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ ग्वालियर में हुंकार भरी दोस्तों। ग्वालियर में उनकी रैली से पहले ये जो पोस्टर है ये मध्य प्रदेश के चप्पे चप्पे पर लग गए थे, जिसको लेकर बताया गया कि BJP नेताओं ने उस पोस्टर के साथ भी खिलवाड़ करने की कोशिश की। मणिपुर की महिलाओं के साथ जो हुआ उस पर प्रियंका गांधी ने PM नरेंद्र मोदी जी को घेरा, उन्होंने जो कहा मोदी जी को लेकर। सबसे पहले तो आपको वो वीडियो दिखा देते हैं हम, उसके बाद आगे आपको दिखाएंगे कि और क्या क्या प्रियंका गांधी ने कहा है, साथ ही प्रियंका गांधी की रैली में कितने लोगों की भीड़ थी दोस्तों। लेकिन उससे पहले वीडियो देखिए। 2 महीनों से पूरा प्रदेश जल रहा है, घरों में आग लगाई जा रही है, मार काट हो रही है आपस में, महिलाओं के साथ भयावह अत्याचार हो रहा है, बच्चों के सर पर छत नहीं रहे और हमारे प्रधानमंत्री जी ने 77 दिन के लिए कोई बयान ही नहीं दिया इस पे। वहां पे एक्शन लेना छोड़िए, एक लफ्ज नहीं कहा। कल मजबूरी में, क्योंकि एक इतना भयावह वीडियो वायरल हुआ कि वो फिर चुप नहीं रह पाए, तो मजबूरी में कल एक बयान दिया उन्होंने, एक वाक्य बोला और उस वाक्य में भी राजनीति घोल दी। उस वाक्य में भी उन्होंने उन प्रदेशों का नाम ले लिया जिसमें विपक्ष की सरकार है। तो प्रियंका गांधी ने साफ साफ कहा कि मोदी जी 77 दिनों बाद बोले, मणिपुर में हिंसा होती रही फिर भी मोदी जी खामोश रहे। प्रियंका गांधी ने पुरानी पेंशन लागू करने का वादा करते हुए कहा कि तमाम कांग्रेस के जो राज्य हैं वहां पर पुरानी पेंशन लागू हो गई है,
कांग्रेस आपके लिए कुछ वादे कुछ गारंटी लाई है, हमारी जहां सरकार है वहां हमने जो गारंटी दी है वो गारंटी निभाई जा रही है। चाहे आप कर्नाटक देख लीजिए, चाहे आप राजस्थान देख लीजिए, तो जो वादे किए थे वो निभाए जा रहे हैं, ये यहाँ पर प्रियंका गांधी ने कहा है। साथ ही दोस्तों राजस्थान छत्तीसगढ़ हिमाचल में पुरानी पेंशन स्कीम लागू है। जब आप सरकारी नौकरी लेने जाते हैं तो उसकी सबसे बड़ी बात क्या होती है, यहाँ पर उन्होंने कहीं ना कहीं सवाल पूछा कि जब सरकारी नौकरी लेने जाते हैं तो उसकी सबसे बड़ी बात होती है जीवन के लिए सुरक्षा मिलना, आपको पेंशन मिलना, ये सबसे बड़ी बात होती है। लेकिन सरकारी कर्मचारियों को आज पेंशन नहीं मिलती है, इस बात पर कहीं ना कहीं केंद्र जो है ध्यान जो है दिलाया प्रियंका गांधी ने। कांग्रेस की सरकार है जहां पर वहां पुरानी पेंशन लागू है, पुरानी पेंशन यहां भी लागू होगी। अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आती है तो यहां पर भी वो लागू होगी। वादों के साथ साथ प्रियंका गांधी ने बीजेपी राज के घोटालों की भी पोल खोली दोस्तों। कहीं ना कहीं ये भी कहा कि जिस तरीके के घोटाले बीजेपी राज में हो रहे हैं उसके बाद क्या आप बीजेपी को वोट देना चाहेंगे। घोटालों को लेकर क्या बोली प्रियंका गांधी दोस्तों, आपको ये वीडियो भी दिखा देते हैं। उसके बाद जैसा मैंने शुरुआत में आपको कहा कि मैं दिखाऊंगी आपको कि प्रियंका गांधी को सुनने के लिए इस रैली में कितने लोगों की भीड़ आई थी, जनसैलाब था कि नहीं, प्रियंका गांधी को सुनने के लिए कितने लोग बेताब थे दोस्तों, वो मैं आपको आगे वीडियो दिखाने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि घोटालों को लेकर प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा, ये वीडियो देखिए आप। आप नेताओं से पूछिए कि इतने घोटाले क्यों हो रहे हैं, कि आपने 22,000 घोषणाएं की उसमें से क्या आपने 2,000 भी पूरी की। आप क्यों नहीं पूछ रहे हैं कि ये दो 20-25 घोटाले, इनकी जो लिस्ट है ये हर रोज बढ़ती ऐसी चली जा रही है। आप ये नहीं पूछते कि आपके लिए इतनी महंगाई और इस देश के जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं जिनको इन सरकारों ने आपकी संपत्ति दे दी है उनकी कितनी कमाई है। मैं बताती हूँ, 1600 करोड़ रुपए एक उद्योगपति एक दिन में कमा रहा है जिसको इस देश की संपत्ति दे चुके हैं। 1600 करोड़ रुपए एक दिन में, और इस देश का किसान एक दिन में 27 रुपए नहीं कमा पा रहा। जी तो प्रियंका गांधी ने आज पूरी की पूरी कलई ही खोल कर रख दी दोस्तों। हाल ही में पटवारी भर्ती परीक्षा में व्यापम जैसे घोटाले के आरोप भी बीजेपी को कहीं ना कहीं नुकसान जो है पहुंचा सकते हैं, क्योंकि जब प्रियंका गांधी ये घोटाले लोगों को बता रही थी, जब प्रियंका गांधी इन घोटालों का जिक्र कर रही थी, उस वक्त हजारों की संख्या में लोग वहां पर मौजूद थे जिन्होंने प्रियंका गांधी को बहुत गौर से सुना दोस्तों। आपको वो वीडियो दिखाना चाहेंगे कि वहाँ कितने लोगों की जो भीड़ थी वो मौजूद थी, तो आपको वीडियो दिखाते हैं, ये वीडियो देखिए। कितने लोग मौजूद थे, लोग वहां पर प्रियंका गांधी को सुनने के लिए आए थे दोस्तों। देखिए मध्य प्रदेश की अगर आप बात करेंगे तो बीते दिनों मध्य प्रदेश में ऐसा बहुत कुछ हुआ है जिसकी वजह से अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो सकता है, नुकसान झेलना पड़ सकता है। जैसा मैंने पटवारी भर्ती परीक्षा का जिक्र किया दोस्तों, पटवारी भर्ती परीक्षा में घोटाले का अंदाजा इसलिए लगाया जाने लगा क्योंकि
एक कॉलेज से रिजल्ट सामने आया और उस कॉलेज के जो टॉपर्स थे 7 के 7 टॉपर अकेले उस कॉलेज से, और खबर ये आई कि वो जो टॉपर्स थे जिस कॉलेज से थे वो ग्वालियर का कॉलेज था, और उस कॉलेज का जो स्वामित्व था, उस कॉलेज का जो मालिकाना हक था, वो बीजेपी विधायक के पास था। तो बीजेपी विधायक के कॉलेज से, उसके सेंटर से 7 टॉपर निकले, इसीलिए शक जो है वो बढ़ता चला गया कि कहीं व्यापम की तरह ही यहाँ पर भी तो घोटाला नहीं हुआ है, कहीं यहाँ पर भी तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है जिसकी वजह से युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है जिस तरीके से पहले किया गया था। व्यापम घोटाला आपको याद होगा, व्यापम घोटाले में भी बहुत से लोग ऐसे थे जो कि कहीं ना कहीं गिरफ्तार हुए थे, और बाद में ये बात सामने भी आई थी कि सीधे तौर पर सरकार की कहीं ना कहीं मिली भगत थी। उसके बाद अभी अगर पटवारी भर्ती परीक्षा की बात की जाए, तो पटवारी भर्ती परीक्षा में दोस्तों जो चीज़ें सामने आई, कांग्रेस ने जो उजागर की, उस पर खुद शिवराज सिंह चौहान ने भी मोहर लगाते हुए कह दिया कि अभी इस पूरे भर्ती परीक्षा में नौकरी की जो नियुक्ति है वो नहीं होगी, उसको अभी रोक रहा हूँ, और इसमें जब जांच हो जाएगी उसके बाद नियुक्ति होगी। तो कहीं ना कहीं वो स्वीकार कर रहे हैं कि पटवारी भर्ती परीक्षा में कुछ ना कुछ तो घोटाला हुआ। तो ऐसे तमाम घोटाले हैं जो बीजेपी की मुश्किलें जो है बढ़ा सकते हैं आगे आने वाले चुनाव में। हम देखना ये होगा कि उन मुश्किलों से बीजेपी कैसे निपटती है, साथ ही चुनाव में इसका कितना असर पड़ता है, कितना नहीं। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।